गुरुजी के दर्शन मात्र से सारी कमनाएं पूर्ण हो जाती है। राजोली वसवाय सदे यज्ञो यज्ञपते भयो राय वधे भरीजा तंदुमयम वा। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आज 6 अप्रैल 2023 है और कोठी के राधे कृष्ण मंदिर के 2023 का जो है यज्ञ का आज अंतिम दिन है और आज चल रही है पूर्ण आहुति का कार्यक्रम। राधे कृष्ण मंदिर के 2023 के यज्ञ के पूर्ण आहुति का कार्यक्रम मैं करीब 11 बजे से यहां लगा रहा देखने के लिए, क्योंकि पूर्ण आहुति का कार्यक्रम देखना बहुत ही अति शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया है यज्ञ आहुति का। तो आपको भी इस वीडियो को देखने से आशीर्वाद मिलेगा, तो शुरू से अंत तक आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। गुरुजी के दर्शन मात्र से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मेरे सनातन प्रेमियों, माताएं बहने, आप लोग इतने धूप में, कड़क धूप में जो आप लोगों ने परिश्रम किया, 7 किलोमीटर शोभा यात्रा में भाग लिए, यानी 7 × 14 किलोमीटर आप लोग यात्रा तय किए, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के जगनारायण भगवान का कृपा आप लोगों के ऊपर रहे, सदैव मंगलमय हो। और जितने लोग परिश्रम किए हैं, जगनारायण भगवान की कृपा सबके ऊपर है, बरसते सब परिवार खुशहाल रहे, किसी भी प्रकार के किसी को भी कोई चीज का कमी ना हो, यही परम पिता परमेश्वर से मैं गर्व प्रार्थना करता हूं कि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम में जो इतना भूतों ना भविष्य न हुआ है न होगा, क्योंकि जग बहुत कठिन कार्य है, लेकिन लग नहीं रहा था कि इतना विशाल जग हो पाएगा, लेकिन जग जगदीश्वर का होता है जो सबके पालनहार है, तो उनका कभी कहां से होगा। तो आप लोगों के सहयोग से इतना विशाल कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ, अभी भगवान की पूर्णाहुति डाली जाएगी। जो देवता अपने स्थान से आए थे, अब उन देवताओं की विदाई होगी। सभी माता ऐसे निवेदन है कि जितने लोग कलश यात्रा में भाग लिए थे, वो कल अपना सुबह में आकर के अपना कलश और नारियल ले जाएंगे। कभी भी किसी भी टाइम में मॉर्निंग में आप लोग आ जाएंगे, अपना अपना कलश लेकर घर जाएंगे, उस कलश में साल भर तक अन्न भर के रख देना होगा और किसी गरीब ब्राह्मण को उस अन्न को दे दीजिएगा, उस पात्र को साल भर रखिएगा अपने घर में, उसमें अन्न भर दीजिएगा और किसी ब्राह्मण को दान में अपना दे दीजिएगा। और जो नारियल है उसको प्रसाद स्वरूप सभी परिवार में वितरण कर दीजिएगा। चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे, जगनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। यह परमात्मा जो भी आप लोग अभिलाषा से कामना से इस जग में भाग लिए थे, आप लोगों का कामना पूर्ण हो। सबलोग प्रणावती में नारियल दिए हैं, सबका सामूहिक संकल्प बोलाता है। अब आप लोग जगनारायण भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करें, चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम जी। तो सभी लोग अपना गोत्र नाम बोलेंगे, अपना गोत्र नाम बोलेंगे, हीरो कुंड में डालिए।
आधे घंटे में सब काम हो जाएगा।
और सभी बलों में अग्नि का स्नान होगा। अग्नि का स्नान के बाद भंडारा के कार्यक्रम। सभी माताओं से निवेदन है कि आप लोग प्रसाद अवश्य पाकर ही जाएंगे। जय नारायण भगवान का प्रसाद अवश्य पाकर और घर लेकर भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से इतना विशाल कार्यक्रम इस ग्राम कोटई में सफल हुआ। निर्विघ्न का यह कार्यक्रम बहुत प्रकार से सफल हुआ। इस दल का अध्यक्ष अरुण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जो कि आज नवयुवकों में इतने कम उम्र में इतना विशाल कार्यक्रम करा देना ही संभव नहीं है। होता है तो जनता के सहयोग से ही, लेकिन धर्म का आधार अगर जो बने तभी बिना जनता लगा हुआ है, जो कि इस जगह का अगर अध्यक्ष अरुण कुमार जी और इतने नौजवान सदस्य हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम में कथा भी होगा और रात भी होगा। केवल जगह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कथा और रात रात्र में भी होगा, मेला लगेगा। जय श्री राधे राधे श्याम। आप लोग नवजीवक हैं, थोड़ा आप विचारा से बना देते हैं। अब हम सर को बात बताओ, क्योंकि आप निर्माण में निकल रहे थे तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा।
I'm